अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जी। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि बैंडीकैम आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ स्क्रीन रिकॉर्डर, और ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद देगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। और आप इस बैंडीकैम को यूज़ करते हुए, इस स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं और इस पर जो है तरह तरह के काम कर सकते हैं आसानी से, और समझाने के लिए कोई भी वीडियो आप बना सकते हैं इजीली। तो ये आपके लिए जो है ना वो बहुत ही अच्छी वीडियो साबित होने वाली है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो है यहाँ पर गूगल ओपन किया है और मैंने बैंडीकैम लिख के ओपन कर देना आपने। उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इंटरफेस आ जाएगा। आपने बैंडीकैम जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपने उस पर क्लिक कर देना, और ये हमने अपनी साइट को इस पर क्लिक करके ओपन कर देना है। जैसे ही आपके पास ओपन होगी तो हमारे पास इस तरह का कुछ पेज आपको नज़र आएगा, और आप इस फ्रंट पे भी जो आप देख रहे हैं इस पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर भी क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वरना नीचे से स्क्रॉल करें नीचे आते जाएं तो आपको सबसे एंड पर भी फ्री डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। हम उस पर क्लिक करके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो इस तरह से वो आपके पास ओपन हो जाएगा, और आपने डाउनलोड बैंडीकैम पे क्लिक करना है और ये हमारा जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो जो मैं आपको बता देता हूँ, डाउनलोड करने के बाद आपने सारा सेटअप रन करना है। रन करने के बाद जो है आपके पास शॉर्टकट की जो है वो बंद करता है, आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी और आपने डेस्कटॉप से इसे डायरेक्टली ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की जो है वो इंटरफेस नज़र आएगा। तो हम होम पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस इस पर बनाई हुई हैं रिकॉर्डिंग की, तो इसलिए आपको शो कर आ रहा हूँ कि इस पे इस तरह के आएंगे। उसके बाद हम जर्नल पे जाएंगे तो जर्नल पे आप देख सकते हैं कि जो भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट बड़ी गेम मिनिमाइज टू ट्रे, ये क्या होगा नीचे आ जाएगा। आपका जो नीचे बार होती है उस पर छोटा सा ट्रे बनकर आ जाएगा एज आइकन की सूरत में। तो आप जो भी सेटिंग्स इसमें करनी हो आप इस पर कर सकते हैं। जर्नल में जाके, आउटपुट पे जाके जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप इस चीज़ को सब कुछ सेट कर सकते हैं। हम वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर आप ये देख सकते हैं कि रिकॉर्ड का बटन कौन सा है, पॉज का बटन कौन सा है। मैंने इसकी कीज बदल दी है, आप ही बदल सकते हैं। हमने जाना अब इसकी सेटिंग्स के ऑप्शन से, मैंने सेटिंग पे क्लिक किया है। अब मैं इस पर माउस का जो टैब आ रहा है ऊपर उस पर क्लिक करूँगा, और अभी देख रहे हैं कि हम शो माउस कर्सर जब अपने शो करना तो और रिकॉर्डिंग के दौरान तो वो भी, अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो भी, कौन सा कलर रखना चाहते हैं तो भी, सब कुछ इसमें मैंशनड है। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है बैंडीकैम को। अब मैं जाऊँगा इमेजेस के सेक्शन में, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर क्या हो सकता है। आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसकी भी चीज़ को बदल सकते हैं अकॉर्डिंग अपनी आसानी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।